अभी हम आए हुए हैं अनअकैडमी वाले ऑफलाइन सेंटर, पटना वाले सेंटर पे। मैं शशांक कुमार हूँ और मैंने नीट यूजी 2023 में आउट ऑफ 720 लाए हैं, 715 आउट ऑफ 720 और ऑल इंडिया रैंक मैंने 14 लाए हैं। मैंने जेई एडवांस भी क्वालिफाई किया है। अच्छा, जेई एडवांस में कितने रैंक थे? जी मेरे 3000 के आसपास रैंक था। 3000 रैंक बहुत अच्छी रैंक होती है। बच्चे तो ये सोचते हैं मुझे 10000 रैंक के अंदर भी आ जाए। आप नीट करते हुए आप आईटी में 3000 रैंक ले आए तो बहुत बड़ी बात है। हर दिन आपका एक चैलेंज टाइप होता है। हर दिन आप अपने आप को कुछ टारगेट देते हैं और ये टारगेट आपको अचीव करना होता है, वो चैलेंज आपके लिए होता है। मुझे डेंगू हो गया था और उस समय मेरा बहुत सारे क्लासेस भी स्किप हो गया था, तो एक महीने का मेरा बैकलॉग हो गया था। जैसे मैं डेंगू से रिकवर किया उसमें मेरा बहुत ज़्यादा लो स्कोर आ गया था, मतलब डायरेक्टली मेरा 100 नंबर गिर गया, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर गिर गया था, 610 आ गया था मेरा। तो उस समय मतलब लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, नहीं होगा मुझसे, ऐसा भी लगता है। लेकिन मैंने उस समय अपने पापा मम्मी से बात किया, अपने टीचर से बात किया, उन्होंने बोला कि तुम्हें टैलेंट है, तुम मेहनत करते हो, तुम निकाल लोगे। अभी कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। जब बच्चा अच्छा करता है तो बहुत खुशी होती है। दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक होते हैं कि खर्च करना नहीं चाहते हैं और अपने बच्चे के ऊपर छोड़ देते हैं कि मेरा बच्चा तेज है, अपने आप कर लेगा, कर ले। वो अच्छी बात नहीं है। मैं तो यही फील कर जैसा कि देखने के लिए मिल रहा है। जी जी जी, अच्छा किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुकेश एकेडमी। अभी हम आए हुए हैं अनअकैडमी वाले ऑफलाइन सेंटर पे, पटना वाले सेंटर पे, और यहाँ पे अभी शशांक आया है जिसका ऑल इंडिया रैंक 14 था। आज इनका इंटरव्यू करने वाले, बेसिकली आज के इंटरव्यू सेशन में ये जानेंगे किस तरह के वो प्रिपरेशन किए थे और कब कब लाइफ में डाउनफॉल आया था जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे और अपने आप को मोटिवेट कैसे किए। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखें, कहीं से स्किप ना करें। तो चलिए आप लोग को शशांक से हम मिलाते हैं। मैं शशांक कुमार हूँ और मैंने नीट यूजी 2023 में 715 में आउट ऑफ 720 लाए हैं, 715 आउट ऑफ 720 और ऑल इंडिया रैंक मैंने 14 लाए हैं। और मैं रहने वाला नवादा जिला का हूँ, बिहार से। अच्छा। और रहता मैं पटना में। अच्छा, रहता पटना। मैंने सुना, जैसे कि मैं बात कर रहा था आपके पापा से, आप नीट के साथ आईटी भी क्रैक किए। जी मैंने जेई एडवांस भी क्वालिफाई किया है। अच्छा, जेई एडवांस में कितने रैंक्स थे आपके? जी मेरे 3000 के आसपास रैंक था, क्योंकि मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अच्छा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैंने 11-12 में पढ़ा। अच्छा। बाकी 9-10 के मैथ्स के जो मैंने पढ़ा था 9-10 में, उसके हिसाब से जेई एडवांस में मैंने एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं बैठ गया था और वो निकल गया, तो अच्छी बात है। अच्छा, 3000 रैंक बहुत अच्छी रैंक होती है। बच्चे तो ये सोचते हैं मुझे 10000 रैंक के अंदर भी आ जाए। आप नीट करते हुए आप आईटी में 3000 रैंक ले आए तो बहुत बड़ी बात है और बिहार टॉपर भी आप हैं। आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे उस दौरान बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हमसे नहीं निकलेगा, हमें छोड़ देना चाहिए, ये कब ऐसा सिचुएशन आया था और उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे फिर से तैयार किए? देखिए, ऐसे तो हर दिन आपका एक चैलेंज टाइप होता है। हर दिन आप अपने आप को कुछ टारगेट देते हैं और ये टारगेट आपको अचीव करना होता है, वो चैलेंज आपके लिए होता है। लेकिन दो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा। एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं क्लास 11 में था, क्लास 11 मिड हो गया था मेरा, मुझे डेंगू हो गया था और उस समय मेरा बहुत सारे क्लासेस भी स्किप हो गया था, तो एक महीने का मेरा बैकलॉग हो गया था। उसके बाद में जब मेरा जो एग्ज़ाम हुआ, जैसे मैं डेंगू से रिकवर किया, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा लो स्कोर आ गया था, मतलब डायरेक्टली मेरा 100 नंबर गिर गया, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर गिर गया था, 610 आ गया था मेरा। अच्छा। तो उस समय मतलब लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, नहीं होगा मुझसे, ऐसा भी लगता है। लेकिन मैंने उस समय अपने पापा मम्मी से बात किया, अपने टीचर से बात किया, उन्होंने बोला कि तुम्हें टैलेंट है, तुम मेहनत करते हो, तुम निकाल लोगे, कभी भी तुम अपने आप को बस एक टेस्ट पर जज मत करो। एक एग्ज़ाम ही तुम्हारे कैपेसिटी या कैलिबर को डिफाइन नहीं कर सकता है। तुम में टैलेंट है और तुम और अच्छा करोगे आगे, हमें विश्वास है। अच्छा। तो उसका मुझ पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, मैंने उस समय भी मेहनत करना नहीं छोड़ा। अच्छा। और वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया आगे जाकर। कैसा भी सिचुएशन है बस कंटिन्यू रखना, ये एक पॉइंट हो गया। और कोई पॉइंट? एक और मेरा पॉइंट, एक सिचुएशन आया था मेरा नीट एग्ज़ाम से 4 दिन पहले, हमारा आखिरी मॉक टेस्ट था। अच्छा। आखिरी मेन टेस्ट था, उसके बाद हमें डायरेक्ट नीट एग्ज़ाम देना था। अच्छा। तो उस समय मैंने यही सोच के गया था, लेकिन मेरा किसी कारण से 3-4 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो गया। अच्छा। और मेरा डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन के 15-20 नंबर कम हो गए। अच्छा। और उस समय उस पॉइंट पे जब आपको मेन एग्ज़ाम के थ्रेशहोल्ड पे आप आ गए हैं। अच्छा। तो उस समय तो ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिचुएशन होता है कि मतलब आप कैसे खुद को संभालेंगे। अच्छा। मतलब मैं
खुद को लो पॉइंट फील कर रहा था, लेकिन फिर मैंने पापा मम्मी से बात किया। अच्छा। रात उसी रात को जिस दिन रिजल्ट आया, और फिर मैंने टीचर से भी बात किया। अच्छा। उन्होंने बोला कि तुमने इतने सारे टेस्ट में इतना अच्छा किया है, केवल एक टेस्ट के हिसाब से अपने आप को बिल्कुल जज मत करो, हमें पता है मेन एग्ज़ाम में तुम जाओगे और तुम्हारा सब क्वेश्चन सही होगा। अभी हमारे साथ शशांक के पेरेंट्स भी हैं, और अभी जब शशांक से बात करें तो पता चला बहुत ज़्यादा पापा उनको मदद करते। जब भी वो टेस्ट देता था कभी कम मार्क्स आ जाता था, डाउनफॉल आता था, तो पापा से बात करता था और पापा उसको बहुत कोऑपरेट करते थे। और बिहार में अभी तक देखते जो आ रहे हैं हम, हमें पैसा तो मिल जाता है कहीं से भी देते या खेती करते जहां से भी, लेकिन उसके ऊपर समय नहीं दे पाते और कम मार्क्स आ जाते थे, अरे तुम क्या कर रहा, ये ज़्यादातर पेरेंट्स कर रहा था। लेकिन शशांक के पेरेंट्स उनमें से नहीं थे, उनमें से अलग थे। जब कम मार्क आता था तो मोटिवेट करते थे। तो चलिए अभी हमारे साथ शशांक के पापा हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो अंकल, वेलकम टू सुकेश एकेडमी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है। जब बच्चा अच्छा करता है तो बहुत खुशी होती है, बिल्कुल आंतरिक खुशी होती है। और मैं तो चाहूँगा कि हर पेरेंट्स के लिए, दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, बिल्कुल एक होते हैं कि खर्च करना नहीं चाहते हैं और अपने बच्चे के ऊपर छोड़ देते हैं कि मेरा बच्चा तेज है अपने आप कर लेगा, कर लेगा। लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। लड़का अपना रोल प्ले कर रहा है, गार्जियन को अपना रोल प्ले करना चाहिए अपने कैपेसिटी के अनुसार। अगर आप सक्षम हैं तो अच्छे इंस्टीट्यूट में डालें, उससे एक्सपोजर मिलता है। और दूसरी तरह के गार्जियन ये होते हैं कि किसी तरह पैसे अरेंज करके दे देते हैं, उसके बाद फॉलोअप नहीं लेते हैं, सो जाते हैं कि अब मेरा काम हो गया, हो गया। वो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। बिल्कुल, मैं तो यही फील करता हूँ। जैसा कि देखने के लिए मिल रहा है, जी जी जी, अच्छा किया। क्योंकि वो जब शशांक बता रहा था लास्ट एग्जाम में उसका 10 मार्क्स कम आ गया, और उस टाइम ने भी आप मोटिवेट किया। जी जी, उस समय वो रोने से लग गया, हमके बेटा रोते क्यों हो? तो उसने कहा पापा ये फाइनल एग्ज़ाम था और फाइनल एग्ज़ाम ही मेरा गड़बड़ा गया। अच्छा। अभी तक हम आ रहे थे 715, 720 ऐसे लाल लाकर, इसमें 700 आ गया। अच्छा। हमके बेटा कोई टेंशन नहीं, ये तो अभी टेलर है, मेन पिक्चर अभी बाकी है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इसे सीखो कि हमारा कम क्यों हुआ, और कम का जो रीज़न दे रहे हो उसको समझो कि एक इवेंट मेन एग्ज़ाम में भी आ सकता है, उसको हम हैंडल कैसे करेंगे। एक किसी भी समय आ सकता है, इन्विजिलेटर गलत हो सकता है और उसका मूड सही नहीं होगा, बिल्कुल, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर निकाल सकता है, बाहर में कुछ एक्सपोजर हो जाए तो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट हो जाए, तो उसको माइंड में लेकर चलने की कोशिश करो और उसमें 100% देने की कोशिश करो। ठीक है, थैंक यू। और साथ में 20 मिनट 25 मिनट हर एग्ज़ाम के लिए बचा के रखने की कोशिश करो। अभी आपको मैंने शशांक से मिलाया, और शशांक के बारे में बात करें तो आप सुने होंगे आईआईटी और मेडिकल दोनों एक साथ निकाला, और आईआईटी में उनका रैंक जो था 3000 था और नीट में 14 ऑल इंडिया रैंक था। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।